और न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनोज जी, एक बहुत बड़ी घोषणा हम कह सकते हैं और क्रमबद्ध मुख्यमंत्री जी ने खुद बताया है कि वो क्यों एक बदलाव लाना चाहते हैं। जी बिल्कुल विवेक, क्योंकि सरकार की यही कोशिश है कि गोवंश के मामले में मध्य प्रदेश जो देश में तीसरे नंबर पर है गणना के हिसाब से, दूध उत्पादन के हिसाब से भी मध्य प्रदेश पहले नंबर पर नहीं है। यही कारण है कि गोवंश का मामला हो, उनकी संख्या का मामला हो या फिर दूध उत्पादन का मामला हो, उसमें मध्य प्रदेश को किस तरीके से नंबर वन बनाना है, ये उसकी एक बड़ी पहल हम इसे कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है कि गोवर्धन पर्व एक त्यौहार के तौर पर पूरे प्रदेश भर में सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से हर जिले में आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर और ग्वालियर में भी शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने अपने निवास पर गोवर्धन पूजन किया, उसके बाद रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम था उसमें वो शामिल हुए। इसके बाद श्योपुर में कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। इसके साथ ग्वालियर में भी दो गौशालाओं में गोवर्धन पूजन के कार्यक्रम है, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँचेंगे। क्योंकि गोवन संरक्षण और संवर्धन को लेकर जो सरकार के द्वारा अब पहल और बड़े फैसले लिए गए हैं उसमें गोवंश को बढ़ाने की पहल तो की जा रही है, इसके अलावा दूध उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर भी जनता को आकर्षित किया जा रहा है। यानी उन्हें एक विशेष अनुदान दिया जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ऐलान भी किया है कि जो 10 से ज़्यादा गाय को पालेगा उसे विशेष अनुदान दिया जाएगा। दूध उत्पादन जो बढ़ाने का काम करेंगे उनको भी जो है विशेष जो बोनस है वो दिया जाएगा। यानी अभी तक सरकार किसानों के लिए फसलों को बढ़ावा देने के लिए, खेती को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके की स्कीम लेकर आती, योजना लेकर आती है, अब वही तमाम योजनाएं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की योजना हो या फिर दूसरी योजना, वो अब किसानों के लिए और जो गो पालन करते हैं उनके लिए ये लाई जा रही है। क्रेडिट कार्ड किसानों को दिया जाता है, 0% पे उनको एक राशि दी जाती है ताकि वो खेती किसानी, खाद खरीदने से लेके तमाम जो सामान है वो खरीद सकें। उसी तर्ज पे अब जो गो पालक हैं उनको भी सरकार क्रेडिट कार्ड जो है उपलब्ध कराएगी, ताकि वो भी साल भर में उस 0% ब्याज की राशि को इस्तेमाल करके गोवंश का पालन कर सके। बोनस भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो है गो एम्बुलेंस भी सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ताकि यदि गोवंश बीमार होता है तो उसे तत्काल उसको इलाज दिया जा सके। साथ में सरकार ने ये फैसला भी लिया है, क्योंकि अभी तक 1500 से ज़्यादा गौशाला जो है वो संचालित की जा रही है, लेकिन इसके अलावा भी करीब 2300 गौशाला और जल्द शुरू की जाएगी। कांजी हाउस को बंद करने का फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है, क्योंकि सरकार एक कदम और आगे बढ़ाते हुए नगरीय निकायों में खुद जो है ऐसी गौशाला बनाकर उनका संचालन करेगी। जो गोवंश है उन्हें वहाँ पर रखा जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा, क्योंकि पहले ही जो है चारे की राशि, जो भूसे की राशि है, जो उनका आहार है उसकी राशि को बढ़ाने का काम भी मोहन सरकार कर चुकी है। ऐसे में आने वाले समय में दूध उत्पादन कैसा बढ़े, किस तरीके से बढ़े, इस पर भी जो है बड़े फैसले लगातार जो है मोहन सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पूरा मुझे लगता है मंच से जो कुछ मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो हमारे दर्शकों को सविस्तार बताया। एक बात जरूर हमारे दर्शकों को बताइए, मुख्यमंत्री जी मंच से इस बात को प्रमुखता से कह रहे हैं कि अमूल जैसा ब्रांड गुजरात से स्थापित हुआ, जिसके पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी सोच थी, दूरदृष्टि थी। मुख्यमंत्री जी की सोच है कि इसी तरह से पशुपालकों के जीवन में एक नया सवेरा लाया जाए, तो एक नए हम पशुपालकों के नए युग की शुरुआत देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी के इस बड़े बयान से। अभिवेक बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मध्य प्रदेश दूध क्रांति की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो करार किया गया है, एमओयू जो किया गया है उसके तहत जो समितियां अभी तक जो मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रही है उनकी संख्या को बढ़ाने के साथ दूध के उत्पादन को भी बढ़ाया जाएगा। इस तरीके का टारगेट जो है इस एमओयू के तहत रखा गया है, क्योंकि तमाम करार के अंदर प्रावधान है कि किस तरीके से दूध उत्पादन मध्य प्रदेश में बढ़ेगा और नंबर वन पे मध्य प्रदेश किस तरीके से आएगा, ये तमाम प्रावधान उसके अंदर दिए गए। यही कारण है कि
इस स्थापना दिवस के मौके पर भी गोवर्धन जैसे पर्व जो हैं वो शामिल किए गए हैं और हर जगह पे इन कार्यक्रमों के तहत प्रदर्शनी लगाई गई कि किस तरीके से गोवंश पालने से किसानों को फायदा होगा, गोपालकों को फायदा होगा, सरकार की कौन कौन सी योजना है जिसका फायदा लेके जो है गोवंश नहीं बल्कि दूध उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है और आर्थिक रूप से मजबूत किस तरीके से गोवंश को पालने से व्यक्ति हो सकता है, इसको लेकर भी सरकार ने अब ओपन जो प्लेटफॉर्म है वो जनता के सामने रखा है। बिल्कुल।